पूर्णिया जिले के भवानीपुर मुख्य बाजार में जल जमाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री नीतीश कुमार पासवान ने अपने सहयोगियों के साथ बीच सड़क पर जल जमाव को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि मिनी गुलाबबाग के नाम से जाने जाने वाली मात्र एक मुख्य बाजार भवानीपुर है। 10 किलोमीटर के दायरे के चारों ओर से ग्राहक यहां आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब वर्षा होती है जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दुकानदार दुकान बंद करने को मजबूर हो जाते हैं। सभी दुकानदार मिलकर होंडा मशीन से पानी का निकासी करते हैं। नीतीश कुमार पासवान ने वर्तमान विधायक सह गन्ना मंत्री बीमा भारती पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक जी के आवास पर जाकर कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक नाला का निर्माण नहीं कराया गया है। वहीं दुकानदार विमल यदुका ने कहा कि एक तो लॉकडाउन को लेकर दुकानों की स्थिति काफी दयनीय हालत में है, दूसरी समस्या यह है कि दुकान के आगे भी सड़क पर 2 फीट गंदा पानी जमा होने के कारण कोई भी ग्राहक दुकान आने से हिचकते हैं। ऐसे में हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। हम लोगों का एकमात्र ही अब संकल्प है नाला नहीं तो वोट नहीं। इस मौके पर सभी भवानीपुर बाजार के दुकानदारों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में इस विधायक सह गन्ना मंत्री को हम लोग हैसियत पर लाने का काम करेंगे। देखिए पूर्णिया के भवानीपुर से संवाददाता सूरज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए क्या समस्या है, नीचे में आप देख ही रहे हैं फुल पेंट से हाफ पेंट पर आ गए हैं, उसके लगता है पेंट खोल के चलना पड़ेगा हम लोग कादो किचन में। अब इससे बची समस्या क्या होगी? क्या स्थानीय विधायक को आप लोग सूचित नहीं किए? हाँ भाई, बोलते बोलते थे कि विधायक आता जाता उसको झलकता नहीं है क्या? कौन है विधायक अभी आपका? बीमा भारती। क्या बोल रही है वो? कुछ नहीं बोल रही है, मंत्री भी हमारी बोलते ही है। कितना बड़ा समस्या है देखिए आपको, लेकिन आपका कोई समस्या नहीं सुन रहा है? समस्या नहीं है। आप आवेदन दिए? आप आवेदन भी दिया गया है ब्लॉक में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका परिचय? महेश यादव का। क्या आपका क्या समस्या? समस्या यही पानी का है, पूरा ग्राहक सब आ ही नहीं रहा दुकान, मतलब कि पूरा चलना चाहेगा कोई भी आदमी आएगा तो पानी में क्या आना चाहेगा? क्या कुछ व्यवसाय संघ का भी? नहीं, व्यवसाय संघ का कुछ आरोप है जो बीच सड़क पे पानी जमा के रहने के कारण हम लोग का व्यवसाय ठप है। क्या इस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं आप? पानी का निदान होना चाहिए कि क्या विधायक जी आपका नहीं सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा है तो आगे विधानसभा यहाँ पे प्रमुख यहाँ पे सब चीज है, आगे विधानसभा का चुनाव है तो क्या कहना चाह रहे हैं इस संदर्भ में आप? निकासी नहीं तो वोट नहीं। पानी का निकासी हो और उपाय करना होगा, उपाय करना होगा पानी का। कुछ युवक का कहना है जो रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी नाला लग रहा था, क्या आप कहना चाह रहे हैं? रोड नहीं तो वोट नहीं, यहाँ तो नाला नहीं तो वोट नहीं। जी आपका परिचय? राजीव। मुख्य सड़क ही नहीं, कई गांव का जो आने का रास्ता है जी, आप देख रहे सर्वर सामने है, बगल में सत्संग आश्रम है जी, जहाँ पर कि सैकड़ों लोग रोज सत्संग करने आते हैं जी, और बगल में देखिए दुकानदार लोग कितना तबाह है, और सारी रोड पौली की रोड, सिंहान रोड, संदीप से ये माधव नगर से जाकर टर्निंग लेती है। इतना बढ़िया जगह है, इतना मुख्य सड़क होने तनाते ना तो किसी का खबर है ना वीडियो साहब खबर है। देखिए जो लोग कितना परेशान से कुछ करते हैं, कितना बार करें, चारों बार देख रहे हैं आप। ये देखिए बस स्टैंड से निकली हुई सड़क है, पुलिस आई हुई है, संदीप सिंह से उतर निकली है, सत्संग आश्रम बगल में धार्मिक स्थल है, कितनी कठिनाइयां लगी, झेलनी पड़ रही है, किसी का कोई ख्याल नहीं पड़ रही। कुछ युवक का कहना है जो हम लोग बारिश के समय में जब पानी सड़क पे जमा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग पंप यानी होंडा मशीन से पानी खिंचवाते हैं। सही बात है, पुल खिंचवाया गया है, पार्सल पुल खिंचवाया गया है, खिंचवाया गया कुछ खिंचवाया गया है, बहुत पसंद लोगों ने किया है। सर आपका शुभ परिचय? मेरा नाम संजय बाबा जी, सत्संग आश्रम हमारी व्यवस्थापक मैं हूँ, सामने में आश्रम देख रहे हैं जी, और काफी कठिनाई मैं देखता रहता हूँ, मैं यही पढ़ाता हूँ सामने। दुकान के आगे काफी पानी जमा है, थोड़ा आपका बिजनेस किस प्रकार चल रहा होगा अभी? बिजनेस तो एक तो लॉकडाउन इफेक्टेड था ही जी, अरे पानी का इफेक्टेड हो गया जी। ये भवानीपुर जो है मिनी गुलाबबाग के नाम से जी, पर मिनी गुलाबबाग होते हुए यहाँ पर ना मुखिया द्वारा, ना प्रमुख द्वारा, ना विधायक द्वारा, जो हमारे मंत्री जी, और ना संसद द्वारा, आज तक हम लोग संसद का चेहरा तो देते नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट देते जा रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं,
और विकास मुद्दा ये है कि रोड पर पानी है, पानी के बाद रोड पर है वो घर पर पानी घुस जाएगा। ठीक है बॉस, विकास ये हो रही है मोदी जी की और विकास हो रही है संतोष कुमार जी की, जय भरी है संतोष कुमार जी की, विधायक जी की, और लोग तबाह है, बिजनेसमैन तबाह है। ठीक है, बिजनेसमैन ठप हो चुका है, यहाँ तक की बीमारी है, इससे पिछले बार डेंगू हुआ था उसका भी कोई शुद्ध मूल्य लिया नहीं जाता था, सिर्फ जो है पार्टी के नाम पर वोट लिया जाता, उससे ज्यादा सुख नहीं। आपका परिचय? विमल कुमार यादव था। सर समस्या देख रहे हैं आप अपने सामने, बिजनेस तो दूर की बात गई, यहाँ पे महामारी फैलता जा रहा है, अगले बार डेंगू से सब ग्रस्त था, अब की बार भी ग्रस्त होगा, हम सब का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया जाता है, और क्या बोलेंगे। नहीं, अभी कुछ देर पहले नाला लग रहा था, रोड नाला नहीं तो वोट नहीं। हम सब युवा को यही कहना चाहेंगे, जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं, निकासी यहाँ जरूरी है जी। यहाँ विधायक है बीमा भारती, अभी तक इसे सामने से जाती है पर उसको कोई परवाह नहीं। तो समस्या, हम बाजार में रोज चलते हैं जी कलेक्शन के लिए, तीन चार बार तो हम गिर चुके हैं, एक दिन हम पेपर में दिए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ का जो मंत्री नेता विधायक, कौन है मंत्री यहाँ का, क्या मंत्री कौन है? मंत्री बीमा भारती जी, जिसके उसके क्षेत्र में है, विधानसभा है, यहाँ चार बार से जीत रही है लेकिन भवानीपुर अभी भी वही स्थिति में। विधानसभा कौन सा विधानसभा से है? रुपोली विधानसभा जी। आपका परिचय? सचित कुमार, घर दुर्गापुर, ये अभी भी 1962 में घूम रहा है भवानीपुर। गुलाब बाग, सॉरी भवानीपुर जो है गुलाब बाग, मिनी गुलाब बाग के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पानी पूरा जमा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना यही चाह रहे हैं कि देखने वाला तो सबसे पहले यहाँ नहीं है जी, तो हम लोग सब मिल के एक साथ अगर यहाँ का वोट बहिष्कार हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वही होना चाहिए, हम लोग कुछ तैयार है कि उसको बहिष्कार नहीं करें। इस बार विधानसभा चुनाव में आप बहिष्कार करेंगे? हाँ बहिष्कार करेंगे जी। क्या करेंगे वोट दे करके, हम लोग रोज पैर सराएंगे, दुकानदार भाई सब बिजनेस सब भी क्या खाएंगे, ये लोग को खेती है क्या, कल खेत में उपज जाएगा ना, जो लोग का बिजनेस है चल रहे ठप है बिजनेस, उसके चलते मेरा बिजनेस ठप है। कठिनाई का हमको तो छोड़िए सर, कठिनाई का सामना यहाँ के रोज जो हजारों क्या इस बार हम लोग विधानसभा चुनाव में मत नहीं दीजिएगा, रोड नहीं बनेगा तो नहीं, हम लोग को सुविधा नहीं मिलेगा, सर बच्चों भी पढ़ने जाते हैं, महिलाएं गिर जाती है, 200 को रोज यहाँ पर दुर्घटना होती है, हम लोग देख के खुद पानी सर के बदबू करने लगा, जिसके कारण से बीमारी होने की संभावना, ये तुम्हें तुम्हारे देखिए बहुत बहुत हाथ का है, बहुत हाथ का है, संभावना पूरी तरह से बढ़ रही है, हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर पानी बगाने का, पंपिंग सेट लगाए, एक दिन पहले पानी निकाले, फिर बारिश हो गई, फिर ये सिलसिला आपका जारी है कि सड़क पे पानी लगा और आप होंडा मशीन से निकाल रहे हैं? 6 महीनों से जारी है और अब तक कोई सुनवाई नहीं। क्या स्थानीय विधायक आपकी सुनवाई नहीं कर रही है? विधायक जी भी बोलते आते हैं, सब गुजरते हैं, खाना प्रभारी गुजरते हैं, गुजरते हैं, जाते आते हैं, सब देखते हैं, मतलब किसी तरह का कोई परवाह नहीं कि जनता बेहाल है, बस वो लोग अपना आएंगे चुनाव में, बस वोट मांगेंगे हम। क्या आप लोग इसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे? क्यों कीजिएगा वोट का बहिष्कार? वोट हम क्यों देते हैं कि आम जनों का सेवा कर सके जी, जो हम लोगों का दुख है, परेशानी है, ये सब देख रहे हैं, कई बार कह चुके हैं मुखिया, वार्ड सदस्य, पल्ला, जिसको हम कह सकते हैं, डायरेक्ट नीतीश कुमार के पास तो नहीं जा सकते हैं, हम बगल में विधायक है, मुखिया है, ये सबके पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, ना ही नाला साफ हो रहा, नाला को पर अतिक्रमण करके घर बना दिया है, नाला में पानी देता है, अचरा कचरा पूरा जम कर दिया नाला को, जो पानी थोड़ा थोड़ा निकलता था सब खत्म हो गया निकलना, और यहाँ से लगभग 200 मीटर तक पानी लगा हुआ है। इसके सामने देख लीजिए, मुख्य बाजार की सड़क है, कहाँ चला गया है? पुलिस जा रही है, खाना प्रभारी आ रहा है, देख लीजिए, उनका आने दीजिए, उनका फोटो ले लीजिए, देख लीजिए क्या आ रहे हैं गाड़ी देखिए।